बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुलबुल स्टूडियो। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया है। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में 3D टेक्नोलॉजी पर बहुत काम हो रहा है और अब इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही हैं। तो इसी 3D टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए दुनिया की पहली 3D मस्जिद ने दुनिया भर के मुसलमानों की तवज्जो हासिल कर ली है। और सबसे खास बात यह है कि इस मस्जिद की तामीर किसी मर्द ने नहीं बल्कि एक खातून ने की है। जी हां, सऊदी खातून ने दुनिया की पहली 3D प्रिंट मस्जिद तामीर करके दुबई को भी पीछे छोड़ दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में कारोबारी खातून वजन्नत अब्दुल वहीद ने जद्दा के नवाही इलाके अल जवारा में दुनिया की पहली 3D मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर ली है, जो 3D प्रिंट की टेक्निक से तैयार की गई है, जिसमें जदीद तर्ज की चीजें फराहम की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून ने इस 3D प्रिंटेड मस्जिद की तामीर करके अब्दुल अजीज अब्दुल्ला शरबतली नामी अपने मरहूम शोहर को खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने 60,000 मुरब्बा फुट पर मुहित इस मस्जिद का नाम अपने मरहूम शोहर के नाम से मंसूब किया है। इस मस्जिद की तामीर के लिए उन्होंने चीनी टेक्नोलॉजी फर्म ग्वानली से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आगाज किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे का काम और अमल दरामद बहुत मुख्तलिफ अंदाज में किया गया, जिसमे इमारत के डिजाइन पर बहुत खसूसी तवज्जो दी गयी ताकि ये नमाजियों के लिए सुकून का बायस बने। इस डिजाइन की खासियत ये है के माह रमजान के आगाज पर नमाज जुमा और नमाज तरावी के दौरान नमाजियों के लिए ज्यादा जगह फराहम करेगा। मस्जिद के दाखिली दरवाजों और बैरूनी पहलुओं का डिजाइन आर्किटेक्चरल शिनाख्त की अक्कासी करते हुए कुदरती रोशनी को अंदर आने की इजाजत देता है। खातून की तामीर करदा 3D प्रिंटेड इस मस्जिद को नेशनल हाउसिंग कंपनी की भी हिमायत हासिल रही। सरकारी हुकाम और कारोबारी रहनुमाओं ने गुज़श्ता मुनाकिदा इफ्तताही तकरीब में भी शिरकत की। मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।